नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था पृथ्वीनाथ मंदिर, उधर साइड के सारे सीन भी दिखाया था, अच्छा लगा होगा आपको। और चलिए अभी इस वीडियो में आपको आज दिखाते हैं मथुरा घाट, राप्ती नदी और उधर साइड के सीन भी दिखाएंगे। अच्छे अच्छे सीन है, बहुत ही अच्छे अच्छे सीन है। कई पोला लाए हो? पांच पोला, चार इसमें है, एक वो खा रहे हैं, कल्लू भाई पोला खा रहे हैं। चलिए फिर अब निकलते हैं। चाबी गिर गया तो थोड़ा सा उठा दो यार, जाओ घरे, अब तुम सीधे जाओ ना। ठीक, हाँ घरे जाओ सीधे। अभी कल्लू जा चुके हैं, हम भी चलते हैं। मथुरा घाट जाने के लिए सबसे पहले हमें इकौना पहुंचना होगा। ये वाला रोड जो दिख रहा है ये इकौना बाईपास का रोड है, और इकौना के बाद में अब हमें पहुंचना होगा श्रावस्ती। यहाँ से ये वाला सीन देखो, काफ़ी अच्छा लग रहा है श्रावस्ती का। और इधर पड़ जाता है श्रावस्ती का शहर, ये वाला अंदर काफ़ी अच्छा पार्क। श्रावस्ती अभी पहुँच गए हैं और मेन वीडियो तो अब स्टार्ट होगा श्रावस्ती पहुँचने के बाद। अभी तक तो थोड़ा बहुत सीन दिखाया आपको रास्ते में, और इधर का सीन अब आपको हम अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ पे पड़ेगा महेट का मेन गेट, शहर को क्रॉस करने के बाद में महेट, और अंदर भी काफ़ी अच्छा जंगल है, फिर कभी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद में महेट से पहले ही एक सड़क इधर को मुड़ती है, ये वाला, और ये डामर सीधे कटरा उधर साइड में पड़ेगा, तो कटरा बाज़ार को छोड़ देता है और इधर ये जाके सड़क कटरा वाले रोड पे मिलके मथुरा सीधे निकल जाता है। इस वाले रोड पे थोड़ा सा ही आगे आने के बाद में यहाँ से देखो महेट का सीन, लगता है कि ये वाला सीन जो है पहाड़ का सीन है। और यहाँ से ये देखो महामंगोल का मंदिर, देखो कितना अच्छा दिखता है। ये वाला मंदिर देखने पे लगता है कि सोने का है। और पूरा जो बाउंड्री दिख रहा है ये वाला, ये देखो बहुत बड़ा बाउंड्री है, उसके अंदर ये वाला मंदिर बना हुआ है और तमाम घर बने हुए हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये वाला जो है उधर साइड से, उस वाले रोड से उधर साइड में गेट लगा है जहाँ पे जाने के लिए। तो अब जब से कोरोना काल चला तब से गेट फिलहाल बंद रहता है, उससे पहले यहाँ पे टाइमली होती थी कि इतने बजे से इतने बजे तक गेट खुला रहेगा, शाम को था और करीब एक घंटे तक, और सुबह शायद था एक घंटे तक। तो उस टाइम में लोग जाकर यहाँ पे घूमाते थे, पर कोरोना काल से तो बिल्कुल बंद ही चल रहा है, यहाँ पे भी कोई नहीं जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा बाउंड्री है, और इसके अंदर ये वाला मंदिर है, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला मंदिर है। और इसके नीचे एक तालाब भी है, बड़ा सा तालाब, और एक तालाब बाउंड्री के अंदर और है, मतलब यहाँ पे दो तालाब है। महामंगोल का ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला बाउंड्री है दीवार, और इसके ऊपर एक लोहे की ग्रिल लगाई गई है। उधर ग्रिल शायद कम पड़ रहा था, उधर थोड़ा सा टीन लगा दिया गया है, मतलब इसको ऊंचा किया गया है कि थोड़ा सा ऊंचा रहे, जिसके कारण से थोड़ी सुरक्षा ज़्यादा रहे। यहाँ पे सीन देखोगे तो एक प्राइमरी विद्यालय मिलेगा, उसके बाद में इधर साइड में यहाँ पे सड़कों की मिलान होती है। यहाँ पे देखिए ये भैंस है, यहाँ पे जो ये पानी में, ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इधर इधर ये साइड में कई भैंस हैं, यहाँ पे स्नान कर रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो भैंस को स्नान करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, यहाँ पे पानी था इसलिए। और ये वाला सड़क जो है ना, ये सीधे कटरा को जाता है, कटरा से भी आप मथुरा घाट जा सकते हैं, उधर जो हम अभी आए हैं उस रास्ते से भी मथुरा घाट जा सकते हैं। ये वाला सीधे मथुरा घाट राप्ती नदी को गया हुआ है। इधर का जो इलाका है राप्ती नदी वाला इलाका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी छोटी सी नहर है ये वाली, तो नदी का इलाका होने के कारण से थोड़ा सा रास्ता इधर का गड़बड़ है। यहाँ पे एक मंदिर है, छोटा सा दिखेगा यह मंदिर जो है, लगता है कि पांडव कालीन मंदिर है, देखो बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पे छोटा सा पुल दिखेगा ये वाला, उसके बाद में यहाँ पे कुछ गांव दिखेंगे इधर साइड में सड़क के, और सड़क के इधर साइड में, और ये बीच में सड़क होगा, के बाद में एक फिर छोटा सा पुल मिलेगा,
इस तरह से। और यहाँ से आप देखो यहाँ पे ये वाला महामंगोल दिखता है यहाँ से ये। बाकी ये सड़कें तो है ही, इधर गांव है, इधर भी गांव है, और उसके बाद में एक बड़ा गांव इधर साइड में, इधर साइड में भी और इधर साइड में सड़क के। गांव ख़त्म होने के बाद ही नदी की शुरुआत होती है, इधर आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखो रास्ता कितना ख़राब है, हम कैसे चलें उस पार, इधर भी ख़राब है, पर किसी तरह से तो चलना होगा। ये वाला जो गड्ढा है इसमें पूरा गाड़ी फंस गया था। यहाँ पे देखो, ये देखो किसी तरह से निकाला भाई, ये देखो पैर को देखो भी कितनी मिट्टी लग गई। अब इसको धो लेते हैं, उसके बाद में फिर रास्ते की तरफ बढ़ते हैं और आपको सीन दिखाते हैं। वैसे अकेले यहाँ पे आना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक बात तो है कि ठंडी ठंडी तो हवा बहुत मस्त चल रही है, पर आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के इलाके में आप आते हैं तो आप अकेले बिल्कुल मत आइएगा, एक लोग को साथ में भी लाइएगा और होशियार लोगों को लाइएगा, क्योंकि नदी वाला जो क्षेत्र है थोड़ा सा खतरे से भरा होता है इसमें, मतलब कहीं क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और अगर पहाड़ी इलाके में आप जाते हो तो वहाँ पर भी दो लोग ही विजिट करें, अकेले बिल्कुल जाने की गलती ना करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र और ये नदी वाला क्षेत्र ये सब थोड़ा दिक्कत वाला क्षेत्र होता है। ये वाला जो गांव दिख रहा था भी आए हैं पार करके, ये गांव यहाँ तक देखिए, यहाँ तक बना हुआ है ये वाला गांव। महामंगोल यहाँ से भी दिखता है, ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसका ऊपर का हिस्सा। और यहाँ पर आप देख लो कितना ज़्यादा बंजर है यहाँ पर, इधर तो पूरा बंजर ही बंजर है, घास फूस बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है। बाकी अभी यहाँ से राप्ती दिखता है, ये वाला है राप्ती। यहाँ पे एक छोटी नाव रखी हुई है ये वाली, और इससे बड़ी नाव नदी में चल रही है, अभी दिखाते हैं चल के आपको। थोड़ा सा हमें नदी तक पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया, नाव चल दिया। अभी देखो कितने लोग नाव पे बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, कोई साइकिल, कोई बोरा, कोई झोरा, मतलब सारे सामान भी लिए हैं साथ में। और राप्ती में नाव देखो चल रही है किस तरह से, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ का सीन। ये देखो ये पूरा राप्ती है बड़ा सा, उधर साइड में भी देखो कुछ लोग यहाँ पे देखो बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि जब नाव इधर से उधर जाए तो हम बैठ के फिर इधर आएँ, मतलब इधर से नाव उधर जाती है, उधर से इधर आती है, यही काम है इसकी। बाकी इधर देखो ये सब पूरा राप्ती है। यहाँ का सीन मैंने बहुत पहले देखा था तो मन कर रहा था बहुत पहले वीडियो बनाने का, पर मतलब टाइम नहीं मिला था, नहीं पाए थे, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो फिर आज मैंने सोचा कि इधर साइड के सीन आपको दिखाते हैं, पर अभी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो नाव थोड़ा सा निकल चुका, अभी देखो रास्ते में जा रहा है ये नाव है, तो थोड़ा सा हम लेट हो गए, नहीं तो आपको नज़दीक से भी नाव दिखा देते। बाकी ये सीन देखो अच्छे सीन है ना। और इस नदी को मथुरा घाट राप्ती नदी के नाम से जाना जाता है, इस घाट को, मतलब यहाँ पर जो उतरने वाला ये घाट है इसको मथुरा घाट कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोग, उधर गांव है ना तो गांव के लोग आते जाते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, यही है। बाकी सीन देखो पूरा सैलाब नदी, नाव उस घाट पे जा चुकी है, अभी इधर देखो नाव उस घाट पे जा चुकी है और लोग उतरने की तैयारी बना रहे हैं, उतर रहे हैं, मतलब लोग अपना अपना सामान उतार के उस पार ले जा रहे हैं, उस पार जो लोग थे उनको लेकर इधर आएँगे, मगर उधर जो लोग हैं उनको मतलब अभी नहीं लेकर आएँगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जितना लोग इधर से ले जा चुके हैं उतने लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तभी उधर से नाव इधर आएगी, मतलब कम लोगों में आने में थोड़ा सा नाव वालों की घाटा होती होगी। ये देखो भैया यहाँ पे तो बहुत भैंस आ रही हैं। सीन तो आपने देखा होगा, आप बताओ आपको इस राप्ती नदी का सीन कैसा लगा। वैसे राप्ती नदी का वीडियो हमने और बनाया है, जैसे ही घाट राप्ती नदी के नाम से भी वीडियो मिल जाएगा और अंधरपुर राप्ती नदी के नाम से भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इस साल भी मैंने एक वीडियो बनाया था राप्ती नदी का, अंधरपुर वाले राप्ती नदी का, दोबारा नया अपडेट दिखाया था उसमें। तो वही मतलब कुल मिला के राप्ती नदी एक ही है, मतलब ये घूम के उधर अंधरपुर में पहुँचती है और यही घूम के उधर साइड में सिसई घाट राप्ती नदी में पहुँचती है, मतलब सारे राप्ती नदी जो हैं एक ही हैं। वो वाला डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता था, ये वाला डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में पड़ता है, ये भी डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में पड़ता है। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस रिटर्न, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना,
जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारा भेजा हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।